तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारे पास CPU स्केजलिंग। तो CPU स्केजलिंग जो है वो थोड़ा सा हमने टॉपिक जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने इसको टच किया था, लेकिन आज हम ये वाला टॉपिक जो है इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। तो CPU स्केजलिंग में हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग जब हमारे पास एक एनवायरनमेंट होता है तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं कि वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है वो हमारे पास चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में कि हमारा सिस्टम हमारा जो CPU है वो बहुत अहम रिसोर्स है, तो ये वाला रिसोर्स जो है हमारा वो हमेशा बिजी रहे, ठीक है, वो कभी भी फारिग ना हो। तो जब हमारा कोई भी प्रोसेस जो है उसको I/O रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो I/O की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं CPU उठा के रेडी क्यू में जो हमारे पास पिछला प्रोसेस का मौजूद होता है वहाँ से प्रोसेस उठा के हवाले कर देते हैं हम CPU के, और जो पहला प्रोसेस होता है वो I/O करने जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है हमारे पास चलता रहता है। तो अगर हम अपना कोई प्रोसेस है उसकी अगर लाइफ साइकिल की बात करें या उसका जो लाइफ प्रोसेस है, तो वो दो चीज़ें करता है हमारा जो प्रोसेस है अपनी लाइफ में, या वो CPU पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है या वो फिर क्या कर रहा होता है कहीं पे जाके इनपुट आउटपुट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो टाइम जो कोई भी प्रोसेस जो है वो CPU के पास गुजारता है उसे हम बोलते हैं CPU बर्स्ट, ठीक है, और जो टाइम वो इनपुट आउटपुट करने में गुजारता है उसे हम बोलते हैं I/O बर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो एक प्रोसेस है उसका लाइफ साइकिल जो है या उसका लाइफ जो है वो इन्हीं दो चीज़ों के गिर्द घूमती है। तो जब एक प्रोसेस शुरू होता है तो वो CPU बर्स्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, और फिर जब उसे I/O की ज़रूरत पड़ती है तो वो उधर चला जाता है। आखिरकार जितने भी उसके CPU बर्स्ट या I/O बर्स्ट हो जाते हैं, तो जब उसने एंड होना होता है तो दोबारा उसका एंड जो है वो कहाँ पे जाके होता है CPU बर्स्ट पे होता है, ठीक है। तो उसका सिस्टम जो है वो फिर उस प्रोसेस को क्या करता है टर्मिनेट कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जो कि I/O बाउंडेड होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि CPU बाउंडेड होंगे। तो I/O बाउंडेड और CPU बाउंडेड से हमारे पास हमने ये बात पहले की है कि I/O बाउंडेड से मुराद हमारे पास ऐसे प्रोसेस हैं जो कि ज़्यादा वक्त जो है वो इनपुट आउटपुट में गुजारते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं MS Word में कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं ज़्यादा इनपुट दे रहा हूँ। तो इसी तरह से हो सकता है कोई और प्रोसेस जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो अपना गुजारेगा CPU के पास। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई वीडियो में देख रहा हूँ तो जो मेरा वीडियो प्लेयर है वो ज़्यादा टाइम जो है वो CPU के पास गुजारेगा, तो इस वजह से हम उसे क्या कहेंगे CPU बाउंडेड कहेंगे। तो ये वाली डायग्राम जो है यहाँ पे भी आपको ये चीज़ जो है वो दिखाई गई है कि हमारे पास पहले जब हमारा प्रोसेस CPU में आया तो CPU बर्स्ट स्टार्ट हो गई, फिर वो इनपुट आउटपुट के लिए चला गया तो इनपुट आउटपुट बर्स्ट जो है उसकी स्टार्ट हो गई, फिर CPU बर्स्ट, फिर I/O बर्स्ट। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है और प्रोसेस जो है वो आखिरकार टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह की ये दो बर्स्ट जो है वो हमारा प्रोसेस जो है हमेशा करता रहता है। तो अब ये जो हमारे पास रेडी क्यू है जिसके बारे में हमने बात की थी कि हम क्या करेंगे रेडी क्यू से उठा के क्या करेंगे प्रोसेस को रनिंग स्टेट में डालेंगे। तो हमने यहाँ से प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरह से उठाने हैं कि ना तो ज़्यादा प्रोसेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे जमा हो जाए इनपुट आउटपुट बाउंडेड ना CPU बाउंडेड, ठीक है। तो इस तरह से एक मिक्सचर जो है वो हमने रेडी क्यू में रखना है और फिर बारी बारी जो है प्रोसेस हमने भेजते जाना है कहाँ पे रनिंग स्टेट की तरफ, ठीक है। तो इसी चीज़ को बुनियाद पे हम क्या करेंगे अपनी CPU स्केजलिंग करेंगे। अब हमारे पास एक यहाँ पे कंपोनेंट है जिसे हमने कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं स्केजुलर होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के बारे में हमने बात की थी, शॉर्ट टर्म के बारे में बात की थी और मिड टर्म स्केजुलर के बारे में बात की थी। तो हमने कहा था कि हमारे पास शॉर्ट टर्म स्केजुलर जिसे हम दूसरा नाम CPU स्केजुलर का देते हैं, ये क्या करता है ये रेडी स्टेट जो है यहाँ से प्रोसेस को उठाता है, ठीक है, और उन प्रोसेस को उठा के कहाँ पे देता है रनिंग स्टेट की तरफ जो है वो सिलेक्ट करने का काम जो है कि रेडी स्टेट से प्रोसेस को सिलेक्ट करके रनिंग स्टेट में भेजना कि किस प्रोसेस को आपकी बारी भेजना है। तो ये वाला काम जो है वो किसकी जिम्मेदारी है, ये वाला काम जो है वो शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि बिलफर्ज यहाँ पे एक क्यू बनी हुई है और उसके अंदर यहाँ पे प्रोसेस पड़े हुए हैं, तो अब इनमें से कौन से प्रोसेस को उठा के जो है वो भेजना है रनिंग स्टेट के अंदर। तो ये जिम्मेदारी जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे एक इस जगह पे हमारे पास शॉर्ट टर्म स्केजुलर होगा, वो क्या करेगा यहाँ से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करेगा कि कौन से प्रोसेस को रनिंग में भेजना है। अब जो प्रोग्राम हमारे पास जो कर्नल का एक हिस्सा है जिसे बोला जाता है यहाँ पे डिस्पैचर, ठीक है। तो डिस्पैचर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, रेडी स्टेट से जिस प्रोसेस को हमारे शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने सिलेक्ट कर लिया होगा उसको उठाएगा और उठा के ले जाएगा कहाँ पे, रनिंग स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है कि हमारे पास डिस्पैचर जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है, हमारे पास डिस्पैचर की जिम्मेदारी है, हमारे पास ये तीन काम करना उसकी जिम्मेदारी। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवाएगा, ठीक है, कि इस वक्त जो प्रोसेस है जिससे सीपीयू छीना जा रहा है, कोई इंटरप्ट वाकई हो गई है उसकी वजह से, या वो इनपुट आउटपुट की तरफ जा रहा है, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस की जो करंट स्टेट है उसको सेव करेगा, कि उसके रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, उसकी स्टेट कौन सी है, उसकी स्टैक की वैल्यूज, इस तरह की चीजें जो है वो सेव करेगा, जिससे हमने कहा था हमारे पास क्या होगा, और फिर वो नए प्रोसेस को उठाएगा। तो इस चीज को हमने क्या बोला था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का नाम बोला था, ठीक है। और फिर डिस्पैचर ही है जो हमारा क्या करता है, यूजर मोड की तरफ वापस लेके जाता है, ठीक है। और ये डिस्पैचर ही है जो क्या करता है, जब हमारे पास प्रोसेस ने लोड होना होता है तो उसकी जो है प्रॉपर लोकेशन पर दोबारा से प्रोग्राम प्रोसेस को शुरू करवाता है। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास यहाँ पे इंटरप्ट टक्कर हुआ तो तब 6 इंस्ट्रक्शंस जो है वो रन हो चुकी थी। तो अब डिस्पैचर जो है वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 7 से जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करवाएगा। तो ये तीन जिम्मेदारियां हैं डिस्पैचर की जिन्हें आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये कर्नल का मॉड्यूल है, ये भी बात जो है वो यहाँ पे याद रखने वाली है। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास डेफिनेशन है डिस्पैच लेटेंसी, जो आपको याद होनी चाहिए। ये डिस्पैच लेटेंसी से मुराद हमारे पास वो टाइम है जो डिस्पैचर लेता है एक प्रोसेस को स्टॉप करने में और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करने में, ठीक है। तो ये जो वक्त है ये हमारे पास डिस्पैच लेटेंसी कहलाता है। अब स्केड्यूलिंग जो है वो दो तरह की हो सकती है, ठीक है। या हमारे पास क्या हो सकती है, प्रीएम्प्टिव हो सकती है या नॉन प्रीएम्प्टिव हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमें क्या करना होगा, सीपीयू स्केड्यूलिंग करनी होगी। तो वो 4 केसेस कौन से हैं, मैं दोबारा से इस डायग्राम पे चलता हूँ। पहला तो हमारे पास ये है, पहला जो हमारे पास केस है वो ये है कि हमारा प्रोसेस रनिंग स्टेट में था लेकिन क्या हुआ कि वो चला गया है इनपुट आउटपुट स्टेट के अंदर, ठीक है। अब दूसरा केस जो है हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरे केस में हमारे पास ये हो सकता है कि हमारा प्रोसेस रनिंग में था लेकिन कोई इंटरप्ट टक्कर हुआ तो वो कहाँ पे चला गया है, वो रेडी स्टेट में चला गया है। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि हमारा प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में था, उसने अब इनपुट आउटपुट कर लिया तो वो दोबारा से कहाँ पे चला गया है, रेडी स्टेट के अंदर चला गया है। चौथा हमारे पास है कि हमारा प्रोसेस जो है वो रनिंग में था लेकिन उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया, वो कहाँ पे चला गया है, टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर चला गया है। तो ये 4 जो है वो जगह हैं जहाँ पे हमें क्या करना होगा, सीपीयू स्केड्यूलिंग करनी होगी। तो जो मैंने आपको पहला केस बताया है कि हमारा प्रोसेस रनिंग में था लेकिन वो कहाँ पे चला गया है, वेटिंग स्टेट में चला गया, तो ये हमारी पहली कंडीशन। और चौथी कंडीशन के हमारा प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर ली है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग होती है, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग का मतलब ये है कि जब एक बार प्रोसेस आ जाता है रनिंग स्टेट में तो जब तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेता तो उससे प्रोसेसर जो वापस नहीं लिया जाएगा अनटिल अनलेस के क्या हो जाए, वो उसे किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ जाए या क्या हो जाए कि वो टर्मिनेट हो जाए। अब जो हमारे पास केस नंबर 3 और 4 था, 3 में मैंने क्या कहा था, 3 में मैंने कहा था कि हमारे पास इंटरप्ट होगा और रनिंग से वो रेडी में आ जाएगा। या चौथा केस है कि वो वेटिंग से कहाँ पे चला जाएगा, वो वेटिंग से दोबारा रेडी स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो ये 3 और सॉरी ये हमारे पास है, ये हमारे पास था 1 और 4 और ये हमारे पास 3 और 2। तो ये 3 और 2 जो हमारे पास केस है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रीएम्प्टेड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे स्केड्यूलिंग होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आए तो ये 4 बातें जो है वो हमें बताई हुई हैं। जो मैंने बताया था आपको कि प्रोसेस जो है वो स्विच करेगा रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट में, और चौथा केस है हमारे पास कि प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए। तो ये 1 और 4 जो है इसमें हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टेड होगा और 2 और 3 में हमारे पास क्या होगा, प्रीएम्प्टेड होगा, ठीक है। तो 2 में हमारे पास क्या था कि हमारा प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाता है किसी इंटरप्ट की वजह से, और केस नंबर 3 मैंने आपको बताया है कि वो वेटिंग स्टेट से कहाँ पे आ जाता है, रेडी स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इन 2 केसेस में हमारे पास होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रीएम्प्टेड, और ये जो 2 केसेस होंगे यहाँ पे हमारे पास होगा नॉन प्रीएम्प्टेड स्केड्यूलिंग, ठीक है। अब स्केजलिंग जब हमने करनी है तो उसके हमारे पास कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस बुनियाद पे हमने स्केजलिंग करनी है। तो ये हमारे पास कुछ बातें हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना है जब हम कोई अपनी स्केजलिंग कर रहे हैं या स्केजलिंग एल्गोरिदम बना रहे हैं। तो सबसे पहले सीपीयू यूटिलाइजेशन, हम इस तरह का जो है वो एल्गोरिदम बनाना चाहते हैं कि हमारा सीपीयू जो है वो हमेशा बिजी रहे, ठीक है। थ्रोपुट जो है वो हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। थ्रोपुट से क्या मुराद है कि किसी दिए गए वक्त के अंदर कितने प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करता है हमारा सिस्टम, ये चीज़ जो है हमारे पास थ्रोपुट कहलाती है। फिर हमारे पास टर्न अराउंड टाइम है। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास होता है कि हमारा प्रोसेस जो है वो कब सिस्टम के अंदर एंटर हुआ और कब जो है उसने कंप्लीट हुआ, तो ये टोटल टाइम जो है वो हमारे पास कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम में जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी, सम ऑफ पीरियड स्पेंट विद वेटिंग टू गेट इनटू मेमोरी, वेटिंग इन द रेडी क्यू, एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू एंड डूइंग आईओ। तो ये सारे के सारे काम जो है उसके जब उनका सम करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, टर्न अराउंड टाइम हो जाता है। टर्न अराउंड टाइम को हम क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना चाह रहे हैं ताकि हमारा प्रोसेस जो है वो कम से कम वक्त जो है सिस्टम के अंदर गुजारे। फिर हमारे पास वेटिंग स्टेट है। वेटिंग स्टेट हमारे पास वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम जो है वो हमारे पास क्या है, वेटिंग टाइम है हमारे पास के हमारा जो प्रोसेस है उसको कितना वेट करना पड़ा है। तो ये चीज़ जो है इसको भी हम क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। फिर हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास है कि हमारा जब सिस्टम के अंदर प्रोसेस एंटर हुआ तो उसे पहली बार जो है कितना वेट करना पड़ा था रेडी स्टेट में, तो कब उसे पहली बार जो है वो रिस्पॉन्स मिला था, तो ये चीज़ हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम कहलाती है और इसे भी हम क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लें कि हमारे पास ये कुछ क्राइटेरिया था जिसकी बुनियाद पे हम क्या करेंगे, जिसकी बुनियाद पर हम अपना जो है वो स्केजलिंग एल्गोरिदम बनाएंगे। तो हम मैक्सिमाइज किन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, सीपीयू यूटिलाइजेशन को हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थ्रोपुट जो है उसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी हमारे पास टर्न अराउंड टाइम हो गया, वेटिंग टाइम हो गया, रिस्पॉन्स टाइम हो गया, इन चीज़ों को हम क्या करने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ स्केजलिंग एल्गोरिदम है जिनके बारे में इंशाल्लाह भी हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे पास ये वाले जो हैं वो हमारे पास कुछ एल्गोरिदम है जो आज हम बात करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट SJF है हमारे पास, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है, प्रायोरिटी स्केजलिंग है और राउंड रॉबिन स्केजलिंग। तो इनके बारे में पर्टिकुलरली जो है अभी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो खोलता हूँ जो कि एक्चुअली आज का हमारा लेक्चर था, ये एक तरह से हमने पिछला ही अभी तक रिवाइज किया है। तो उसमें सबसे पहला जो एल्गोरिदम है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि हमारा ये वाला प्रोसेस जो है ये जो एल्गोरिदम है ये क्या करेगा, जो प्रोसेस पहले आएगा उसको ये पहले एंटरटेन करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसका क्राइटेरिया देखें, द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट फर्स्ट इज सर्व्ड फर्स्ट, तो जो प्रोसेस जो है वो पहले रिक्वेस्ट करेगा उसे पहले सर्व किया जाएगा। इट मीन्स दैट प्रोसेसेस आर सर्व्ड इन द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द अराइवल ऑफ देयर अराइवल। तो जैसे जैसे प्रोसेस आते जाएंगे वैसे वैसे वो लाइन के अंदर लगते जाएंगे और जो पहले आएगा वो पहले सीपीयू के पास जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा एल्गोरिदम है ये वाला, ठीक है। इसकी नेचर देखें तो ये हमारे पास क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव में हमने कहा था जब एक प्रोसेस चला गया सीपीयू के पास तो सीपीयू से नहीं छीना जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 5O Q की मदद से की जाती है। 5O Q क्या हमारे पास कि इस तरह से एक क्यू बन जाती है, ठीक है, और उसमें जो प्रोसेस आता जाएगा वो लाइन में लगता जाएगा। तो जो पहले प्रोसेस आएगा वो यहाँ पे, बाद में आने वाला यहाँ पे, फिर इस तरह से हमारे पास आता जाएगा। तो इनमें से सबसे पहला जो सीपीयू के पास भेजा जाएगा वो ये है, उसके बाद इसकी बारी, फिर इसकी, इस तरह से लाइन के अंदर वो लगते जाएंगे और सीपीयू के पास हम उन्हें भेजते रहेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल उन्हें हमें दी हुई है जिसको हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लें कि ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं, P0 से लेके P3 तक 4 प्रोसेस हैं हमारे पास, और ये हर प्रोसेस का अराइवल टाइम है जिसको हमने T0 के साथ जो डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो P0 का अराइवल टाइम है 0, इसी तरह से P1 का 1 है, P2 का 3 है और P3 का 5, मतलब कि 5 यूनिट ऑफ टाइम जो है वो गुजर चुके थे जब P3 आया। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, CPU बर्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ। तो CPU बर्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास, हमने कहा था क्या होता है CPU बर्स्ट, के CPU के पास जो वक्त गुजारेगा इसको हम डेल्टा T के साथ जो है वो यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आप देखें कि फर्स्ट काम फर्स्ट सर्व है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन आया? जब जीरो यूनिट ऑफ टाइम हमारे पास गुजरे थे तो P0 हमारे पास आ गया, और इसने कितना टाइम गुजारना है? इसने 10 यूनिट ऑफ टाइम गुजारने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने गैंट चार्ट बनाया हुआ है कि जब जीरो यूनिट ऑफ टाइम था तो P0 जो है वो हमारे पास आ गया, और इसने क्या किया? 10 यूनिट ऑफ टाइम जो है वो गुजार लिए। तो 10 यूनिट ऑफ टाइम जो गुजार चुका था, तो हमारे पास ये तीन प्रोसेस भी तब तक मौजूद थे, मतलब आ चुके थे सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब ये वाला प्रोसेस जो है अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर चुका है, तीन प्रोसेस हमारे पास बच गए हैं। अब P1 जो है, अब P0 के बाद कौन आया? P1, उसके बाद कौन आया? P2, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइम की मदद से हमें पता चल रहा है कि 1 यूनिट ऑफ टाइम पे P1 आ गया था, 3 यूनिट ऑफ टाइम पे हमारे पास P2 आ गया था, और जब 5 यूनिट ऑफ टाइम थे तो P3 आ गया था। तो इस तरह से इसी हिसाब से हमारे पास अब किसकी बारी है चलने की? अब P1 की बारी है। तो P1 कितने टाइम के लिए चलेगा? 6 जो है वो उसका बर्स्ट टाइम जो 6 है, ठीक है। तो 10 जो है वो टाइम हमारे पास पहले ही हो चुका था, तो 10 जो है वो हमारे पास पहले ही हो चुका था। फिर ये 6 यूनिट ऑफ टाइम और चला P1, तो हमारे पास टाइम हो गया 16। अब ये वाला प्रोसेस भी हमारे पास खत्म हो चुका, ये वाला प्रोसेस भी खत्म हो चुका। अब 2 रह गए हैं, तो इनमें से पहले कौन पहुंचा था? P2, ये 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये 2 यूनिट, इसका CPU बर्स्ट जो है वो 2 है, तो 16 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास आउट हो चुका है सिस्टम से। अब एक ही बच गया है, और उसका जो है वो हमारे पास CPU बर्स्ट कितना है? 4 है, तो 18 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये एक गैंट चार्ट जो है इसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि कितना किसी को वेट वगैरह करना पड़ा है। तो ये चीज़ जो है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये एक और टेबल हमें दिया गया है। अब यही चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो P0 जो है वो 0 यूनिट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ, P1 जो है वो 10 पे स्टार्ट हुआ, P2 16 पे स्टार्ट हुआ, और P3 जो है वो 18 पे जाके स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमें पहले दी हुई थी वो है, ठीक है, जो हमें पहले टेबल दिया हुआ था। और यहाँ पे हमने क्या किया है? फिनिश टाइम अपना निकाल लिया है। तो फिनिश टाइम जो है P0 कब खत्म हुआ था? 10 पे। P1 कब खत्म हुआ था? 16 पे। P2 18 पे, और P3 जो है वो 22 यूनिट ऑफ टाइम पे जाके खत्म हुआ था। ये फिनिश टाइम जो है इसको हमने किससे डिनोट किया है? T1 के साथ डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम क्या कहा था हमने? टर्न अराउंड टाइम हमारे पास होता है कि कब सिस्टम के अंदर हमारा प्रोसेस आया और कब आउट हुआ है, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने का फार्मूला जो आपने याद रखना है वो हमारे पास है, टर्न अराउंड टाइम हमारे पास होता है T1 - T0। तो T1 हमारे पास क्या है? फिनिश टाइम, और T0 क्या है हमारे पास? अराइवल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिनिश टाइम में से अगर हम अराइवल टाइम जो है अपना माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो 10 - 0 हमारे पास क्या हो जाएगा? 10। इसी तरह 16 - 1 15, और इसी तरह से हमारे पास 18 - 3 15 आ जाएगा हमारे पास, और इसी तरह से 22 में से 5 गए तो हमारे पास 17 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है यहीं से हमने क्या करना है? अपना वेटिंग टाइम निकाल लेना है, ठीक है। तो वेटिंग टाइम हमारे पास क्या होता है? इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? कि टर्न अराउंड टाइम जो है उसमें से हम क्या करना है? अपना CPU बर्स्ट निकाल लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेटिंग टाइम आ जाएगा, तो कि उसे कितना वेट जो है वो करना पड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 - 10 हमारे पास 0 के हमारा जो P0 था उसे 0 यूनिट ऑफ टाइम जो है वो वेट करना पड़ा। इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा? 15 - 6 करेंगे तो 19 आ जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास P2 और P3 के लिए हमारे पास 13 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास टर्न अराउंड टाइम भी निकल चुका, वेटिंग टाइम भी निकल चुका। तो अब हम क्या करते हैं? एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी प्रोसेस जो है अगर एवरेज उसकी देखें तो वो 14.25 सेकेंड जो है मिलीसेकंड जो है वो हमारे पास ले रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है? यहाँ पे जो सभी हमारे पास टर्न अराउंड टाइम थे इनको हमने यहाँ पे क्या किया है? जमा कर लिया है। चूंकि ये 4 थे तो 4 के साथ डिवाइड किया, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारे पास 14.25 मिली सेकेंड आ रहा है। इसी तरह से एवरेज वेटिंग टाइम अगर हमने निकालना है तो इन सब को जो है वो हम जमा करके 4 पे तकसीम करेंगे। तो एवरेज वेटिंग टाइम जो है हमारे पास क्या आ गया? 8.75 मिली सेकेंड जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से फर्स्ट काम फर्स्ट सर्व जो है वो काम करता है। और ये जो है स्टैट्स वगैरह हमने सारे देख लिए। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि टर्न अराउंड टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना था, और वेटिंग टाइम कितना था, ताकि अगला एल्गोरिदम जो है उसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकें। इसके कुछ एडवांटेज हैं। सबसे पहला तो है कि सिंपल, फेयर, नो स्टारवेशन। स्टारवेशन हमारे पास होता है कि कोई प्रोसेस आया और वो हमेशा वेट ही करता रहा, ठीक है, वो कभी भी सीपीयू के पास नहीं पहुंच सका, तो ये चीज़ जो है हमारे पास स्टारवेशन कहलाती है। तो इसमें स्टारवेशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, इम्प्लीमेंट है। और डिसएडवांटेज इसके हैं कुछ कि नॉट एफिशिएंट, ये एफिशिएंट नहीं है। एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो हमारे पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, 8.75 है। अगले जो एल्गोरिदम है उनमें हम देखेंगे ये टाइम कम हो जाएगा। कन्वे इफेक्ट जो है हो सकता है, कन्वे इफेक्ट आपके पास क्या है, कन्वे इफेक्ट ये आपके पास के हमारे पास कुछ स्मॉल आईओ बाउंड अगर कोई प्रोसेस है तो उसे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है अगर उसके आगे जो है वो कोई सीपीयू बाउंडेड प्रोसेस जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। बिलफर्ज जो P0 था वो आया हमारे पास और इसका सीपीयू बाउंड था हमारे पास 20 मिलीसेकेंड, ठीक है। तो इसके पीछे जो है वो P1 आया, लेकिन उसका P1 आया तो उसका हमारे पास जो टाइम था वो कितना था, सिर्फ 2 मिलीसेकेंड। तो ये 2 मिलीसेकेंड वाला जो है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ जो है हमारे पास क्या कहलाएगी, कॉनवे जो है इफेक्ट हमारे पास कहलाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो एल्गोरिदम है उसमें हमारे पास कॉनवे इफेक्ट जो है वो हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो लेस एफिशिएंट हो सकती है, क्योंकि हमारे पास सीपीयू बाउंडेड जो है वो चलता रहेगा। और व्हेन अ सीपीयू बाउंडेड प्रोसेस इज रनिंग विद मैनी आईओ बाउंडेड प्रोसेस, तो अगर हमारे पास कोई सीपीयू बाउंडेड है तो वो ज़्यादा टाइम जो है वो सारी बातें लेता रहेगा। आईओ वाले जो हैं उन्हें ज़्यादा जो है वो वक्त नहीं मिलेगा, या सीपीयू वाला जो है CPU बाउंडेड जो है वो ज़्यादा अपना वक्त गुजार लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अब जो है हमारे पास अगला जो है वो आ गया हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या इसे हम SJF भी कहते हैं। तो इसका क्राइटेरिया देख लें, कहता है दिस द प्रोसेस दैट रिक्वायर शॉर्टेस्ट टाइम। तो जो प्रोसेस जो है जिसे रन होने के लिए सबसे कम वक्त चाहिए, हम क्या करते हैं उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब था हमारे पास के CPU जो है इसे नहीं खींचा जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे की जाती है, इसमें हम क्या करते हैं सॉर्टेड FIFO बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास FIFO होती है लेकिन उसको हम क्या करते हैं सॉर्ट कर लेते हैं। तो सॉर्ट किस तरह से करते हैं कि हमारे जो प्रोसेस होते हैं जिन्हें कम वक्त चाहिए उन्हें पहले रख लेते हैं और जिन्हें ज़्यादा वक्त चाहिए उन्हें बाद में रख लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं अपनी क्यू जो है उसको सॉर्ट कर लेते हैं और इस तरह से वो क्यू जो है वो फिर चलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोग देख लें कि हमारे पास वही एग्जांपल है। तो इसमें हमारे पास क्या है, 4 प्रोसेस हैं, ये उनका अराइवल टाइम है। P0 जो है वो 0 यूनिट ऑफ टाइम पे आया, P1 1 यूनिट ऑफ टाइम पे आ गया, P2 3 यूनिट ऑफ टाइम पे और P3 जो है 5 यूनिट ऑफ टाइम पे। अब यहाँ पे देखें तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो है लेंथी प्रोसेस वो P0 है, उसके बाद लेंथी प्रोसेस P1 है और उसके बाद जो है ज़्यादा लेंथी जो है वो P3 है और सबसे छोटा जो है वो हमारे पास क्या है P2 है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि जो छोटी जॉब है उसको पहले चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जब 0 यूनिट ऑफ टाइम थे हमारे पास तो P0 आ चुका था, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है हमें सबसे पहले क्या चलाना चाहिए, P0 चलाना चाहिए। हालांकि इसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब हमारी मजबूरी है क्योंकि उस टाइम कोई भी प्रोसेस जो है मौजूद नहीं था। अब हमने ये भी बात कर ली है कि ये वाला जो हमारे पास एल्गोरिदम है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा कि P0 जो है प्रोसेसर के पास चला जाएगा और ये क्या करेगा 10 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। तो अब हमारा P0 जो है वो मुकम्मल चल चुका है और ये सिस्टम से बाहर निकल चुका है। और जब तक ये 10 यूनिट ऑफ टाइम हमारे पास हुए तो ये तीनों प्रोसेस भी हमारे पास आ चुके हैं। अब इनमें से देखेंगे कि सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा है। तो इनमें से सबसे छोटा प्रोसेस ये 2 बर्स्ट टाइम वाला है जो कि हमारे पास P2 है, ठीक है। तो अब हम इसे चलाएंगे तो P2 जो है वो क्या करेगा यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। तो 10 जमा 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब ये वाला प्रोसेस भी निकल चुका है। अब 2 प्रोसेस रह गए P1 और P3। तो इनमें से छोटा कौन सा है P3 है। तो P3 को हम चलाएंगे 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। तो 12 जमा 4 क्या हो जाएंगे हमारे पास 16 और ये भी हमारे पास सिस्टम से निकल चुका। और अब हमारे पास क्या है P1 ही सिर्फ एक रह गया। तो अब हम इसे चलाएंगे और ये क्या करेगा 16 जमा 6 22 मिलीसेकेंड जो है वो आप एक तरह से कह लें यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक गैंट चार्ट बना लिया। अब हम इसके मुख्तलिफ स्टैट्स यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये टेबल जो है मैं दोबारा से नहीं समझाऊंगा, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम, हाँ जी क्वेश्चन कीजिए जल्दी जरा काइंड। सर ये पूछना था आपसे कि जैसे ये 10 तक वो चलेगा और टाइम 2 पे तो नया प्रोसेस आ गया था जो कि जिसका बर्स्ट टाइम छोटा भी था जो प्रोसेस, हाँ जी, लेकिन इसमें ये देखे ना, ये हम शुरू में बात कर चुके हैं कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है कि जब एक प्रोसेस, ये मैं कह रही हूँ कि जैसे छोटा अभी 10 तक वो चला नहीं था तो उधर छोड़ के तो दोबारा उसको छोटे को पहले नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, अगर प्रीएम्प्टिव होता तो वो केस हो जाना था जो आप कह रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास देख लें कि ये वाला जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो हमारे पास 12.75 आ रहा है और वेटिंग टाइम आ रहा है 7.25। तो इस चीज को अब आप कंपेयर करें जरा, यहाँ पे जो हमने पिछला एक पढ़ के अभी आए हैं वहां पे हमारे पास 14.25 और 8.75 जो है वो हमारे पास था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वेटिंग टाइम जो हमारे पास काफी ज्यादा जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेटिंग टाइम जो है हमारे पास 7.25 हो गया, वहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग था। और इसी तरह से वहाँ पे जो एवरेज, इसी तरह से वहाँ पे जो आपके पास एवरेज टाइम था वो 14 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पे आके क्या हो गया 12 पॉइंट समथिंग हो गया। तो इस तरह से ये काफी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की निस्बत। तो अब अगर इसके एडवांटेज देखें तो वेटिंग टाइम कम है, गुड रिस्पांस टाइम है कि मतलब जब प्रोसेस आ जाता है, छोटा प्रोसेस आता है तो उसे जल्दी जो है वो तवज्जो मिल जाती है। डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे पास स्टारवेशन जो है वो हमारे पास अगर कोई लॉन्ग प्रोसेस आ जाता है तो उसे जो है वो फॉर एवर जो है वो वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा प्रोसेस आ जाए जो कि जिसका CPU बर्स्ट जो है वो 100 मिली सेकेंड है तो उसे हमेशा के लिए वेट करना पड़ेगा, वो कभी भी CPU के पास नहीं जाएगा क्योंकि छोटे प्रोसेस जो है वो हमेशा ये सिस्टम हमारा भेजता रहेगा। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। अब हमारे पास आ जाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, ठीक है, या SRTN, इसे कुछ और नाम भी दिए जाते हैं, आप अपनी बुक्स वगैरह में देख लीजिएगा। ये जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये उसी का ही वर्जन है, लेकिन ये क्या होगा, ये हमारे पास प्रीएम्प्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट जॉब चलाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई छोटी जॉब आएगी तो हम चलती हुई जॉब से जो है वो अपना प्रोसेसर जो है वो छीन लेंगे। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब स्केड्यूलिंग जो है ये उसी का ही वर्जन है, लेकिन ये हमारे पास क्या है प्रीएम्प्टिव वर्जन है, ठीक है। द प्रोसेस हुज रिमेनिंग रनिंग टाइम इज शॉर्टेस्ट इज सर्व फर्स्ट। तो यहाँ पे जिसका रनिंग टाइम जो है वो शॉर्टेस्ट है उसे हम क्या करेंगे पहले सर्व करेंगे। अच्छा, इसमें डिसीजन मोड हमने बात कर ली है कि हमारे पास प्रीएम्प्टिव है, और प्रीएम्प्टिव किस तरह से होगा, प्रीएम्प्टिव हमारे पास होगा कि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस चल रहा है, बड़ा प्रोसेस चल रहा है, उसे छोटा आ गया तो प्रीएम्प्टिव होने की वजह से हम क्या करेंगे प्रोसेसर उसको छीन लेंगे और नए आने वाले को दे देंगे, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन किया था वो चीज़ जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे की जाती है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जो अपनी क्यू है FIFO क्यू हमारे पास होती है, लेकिन उस क्यू का हम क्या कर लेते हैं सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो हमारी क्यू जो है उसमें सॉर्टिंग होती रहती है जैसे जैसे प्रोसेस आते रहते हैं, तो छोटे प्रोसेस जो आगे लगते रहते हैं, बड़े प्रोसेस पीछे चले जाते हैं। तो सेम उसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास ये P0 है, P0 अराइवल टाइम है, इसके सबसे ये बड़ा प्रोसेस है P1, उसके बाद 1 यूनिट ऑफ टाइम पे आ गया, इसका हमारे पास क्या है 6 यूनिट ऑफ टाइम है। और इसी तरह से हमारे पास P2 है जो सबसे छोटा होगा, और P3 जो है उसका CPU बर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है 4 है। अब एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास सबसे छोटा कौन है P2, उससे बड़ा कौन है हमारे पास P3, और उससे बड़ा हमारे पास क्या है P1, और सबसे बड़ा कौन है P0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रीएम्पशन होगी, तो हमारे पास देखते हैं कि ये सिस्टम जो है वो कैसे हमारे पास रन होता है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या हुआ कि जब 0 यूनिट ऑफ टाइम था तो हमारे पास क्या P0 हमारे पास आया, तो वो P0 जो है वो हमने अपने सिस्टम में डाल दिया, ठीक है। अब P0 जो है वो रन हो रहा था, लेकिन 1 यूनिट ऑफ टाइम जैसे ही गुजरा तो हमारे पास P1 आ गया, ठीक है। अब P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 6, मतलब कहने का ये छोटा है किसकी निस्बत P0 की निस्बत। तो हमने क्या किया P0 जो है उससे प्रोसेसर छीन लिया और किसको दे दिया P1 को। तो ये कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला था 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो कितना बच गया था 9 यूनिट ऑफ टाइम इसके बाकी बच गए हैं। अब ये जो है P1 चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो P1 जो है वो यहाँ पे चला, तो ये 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला P1, ठीक है, टोटल 6 था लेकिन 2 यूनिट ऑफ टाइम पे चला। जैसे ही टाइम यहाँ पे 3 हुआ, ठीक है, 2 इसके अपने और 1 जो है पिछला, तो 3 यूनिट ऑफ टाइम जैसे ही हुआ तो इससे एक छोटा प्रोसेस आ गया जो कि P2 था। तो हमने क्या किया, P1 से प्रोसेसर छीन लिया। तो P1 कितने टाइम के लिए चला, हमारे पास 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो बच कितना गया 4 यहाँ पे बच गया, ठीक है। और अब हमने क्या किया, 3 यूनिट ऑफ टाइम पे ये आया तो हमने क्या किया, P2 जो है वो हवाले कर दिया। तो P2 का बर्स्ट टाइम कितना है हमारे पास, P2 का बर्स्ट टाइम है हमारे पास 2, तो 3 + 2 हमारे पास कितना टाइम होगा 5, और ये हमारे पास सिस्टम से आउट हो गया। और N5 पे हमारे पास जो है कौन हमारे पास आ गया है, P3 हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब P3 भी 4 है और हमारे पास P1 भी 4 है, तो इसका मतलब है इन दोनों की जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास बराबर है। तो अब इनमें से हम पहले कौन सा चलाएंगे, तो इनमें से पहले जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे चलने वाला है P1। तो P1 जो है वो हमारे पास पहले चलेगा क्योंकि ये पहले आ चुका था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पे हम ये वाला काम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो P1 जो है वो हमारे पास कितने यूनिट ऑफ टाइम चलेगा, P1 जो है वो हमारे पास चलेगा यहाँ पे 4 यूनिट ऑफ टाइम, तो हमारे पास टाइम हो जाएगा 9, और P1 जो है वो सिस्टम से निकल चुका है, ये सारे का सारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो 2 ही प्रोसेस बच गए थे, P3 है और P0 है। तो P3 जो है वो 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा थी, ये भी यहाँ से निकल चुका है। तो अब आखिर में आके आपके पास P0 ही बच गया, तो P0 जो है वो 9 टाइम के लिए चलेगा और यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये वाला जो है प्रीएम्प्टिव वर्जन जो है वो हमने चलाया है, किसका, SJF का या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। कुछ बुक्स में इन दोनों को एक ही नाम दिया गया है, कुछ बुक्स में इस तरह से अलग-अलग उन्होंने बयान किया है, ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनका क्या बना। तो यहाँ पे आप देखें कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है बहुत ज्यादा हमारे पास 10 हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में 14 था, यहाँ पे 12 हो गया, और यहाँ पे मजीद हमारे पास बेहतरी आई और हमारे पास क्या हो गया 10 हो गया। और एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो हमारे पास काफी ज्यादा बेहतरी आई है, मतलब 4.5 था, ये हमारे पास जो पिछला वर्जन था उससे भी काफी ज्यादा बेहतर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो हमारे पास प्रीएम्प्टिव वर्जन है वो बेहतर है, जिसे हमने और नाम दिया था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये चीज जो है वो आपने माइंड में रखनी है कि ये हमारे पास जो पिछले 2 है उनसे काफी बेहतर है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके एडवांटेज देख लें कि वेटिंग टाइम कम है, वो चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। और क्वाइट गुड रिस्पांस फॉर द शॉर्ट प्रोसेस, तो शॉर्ट प्रोसेस जैसे जैसे आते जाते हैं तो वो वैसे वैसे उन्हें जगह मिलती जाती है, इस वजह से ये रिस्पांस टाइम हम कहेंगे काफ़ी बेहतर है। अच्छा, तो यहाँ पे है कि स्टारवेशन इज पॉसिबल, तो यहाँ पे भी स्टारवेशन जो है हमारे पास हो सकती है कि लॉन्ग प्रोसेस जो है वो कभी भी उन्हें जो है वो प्रोसेसर के पास नहीं भेजा जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ है वो है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड, यहाँ पे हमारे पास होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बार बार जो प्रोसेसर है उसे क्या करना पड़ सकता है, प्रोसेसेस जो है वो तब्दील करने पड़ सकते हैं, ठीक है, हमारे प्रोसेसर को। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का एक ओवरहेड या हमारे पास इजाफी बोझ जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास 2 स्केजलिंग एल्गोरिज्म रह गए हमारे पास, राउंड रॉबिन है हमारे पास और प्रायोरिटी, ठीक है। तो प्रायोरिटी भी हमारे पास 2 तरह से होगा, प्रीएम्प्टिव वर्जन है उसका, नाम प्रीएम्प्टिव वर्जन भी है हमारे पास। तो हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे राउंड रॉबिन हमारा जो है वो नेक्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो राउंड रॉबिन क्या है, ये हमारे पास एक प्रीएम्प्टिव जो है वो एल्गोरिथम है जिसमें हम क्या करते हैं, हर जो प्रोसेस है उसको एक खास टाइम दे देते हैं, ठीक है। और वो टाइम जो है हमारे पास कहलाता है टाइम क्वांटम, या उसे बोला जाता है टाइम स्लाइस। तो जैसे ही उसका वो टाइम स्लाइस जो है मुकम्मल होता है तो प्रोसेसर जो है वो हमारा जो प्रोसेस है उससे छीन लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं, पहला तो ये है कि प्रोसेस जो है उसका भी टाइम क्वांटम जो है वो खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, प्रोसेसेस ब्लॉक्ड आर टर्मिनेटेड बिफोर द क्वांटम हैज इलैप्स्ड, ठीक है। तो हमारा टाइम क्वांटम अभी खत्म नहीं हुआ था लेकिन कोई हमारे पास जो है वो इवेंट अक्कर हो गया है, ठीक है, या फिर उसे क्या करना हुआ, वो इनपुट आउटपुट की तरफ चला गया है। तो या दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास जो है उसका अभी टाइम क्वांटम खत्म नहीं हुआ लेकिन वो क्या चाहता है, उसका टाइम क्वांटम सॉरी खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा प्रोसेस जो है वो अभी और भी टाइम मांग रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में उसे प्रोसेसर जो है वो छीन लिया जाएगा और उससे अगला जो है उसको अलाट कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका मोड जो है वो हमारे पास क्या है, प्रीएम्प्टिव है। ये चीज जो हमने याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 5(q) की सूरत में की जाती है, ठीक है। तो इफ एनी प्रोसेस कम्स आर प्रोसेस रिलीज CPU or process is preempted, it is moved to the end of the queue, ठीक है। तो बिलफर्ज ये आपके पास एक क्यू है, तो जो भी हमारे पास प्रोसेस जो है वो खत्म करके आएगा तो वो क्या करता जाएगा, इस क्यू के एंड पे आके लगता जाएगा। When CPU becomes free, a process from the first position in a queue is selected, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से पहली पोजिशन पे जो भी खड़ा हुआ करेगा उसको उठा के CPU के पास भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल दी जा रही है, इसमें हमारे पास क्या है, हर प्रोसेस जो है उसको टाइम क्वांटम जो है वो दिया जा रहा है 4 मिलीसेकंड का, ठीक है। तो हर प्रोसेस जो है उसको कितना टाइम मिलेगा, उसको टाइम मिलेगा 4 मिलीसेकंड। एक चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है। और दूसरा जो है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का भी हमें दिया जा रहा है कि 1 मिलीसेकंड जो है हर एक पे क्या होगा, जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हमारा जाया होगा, ठीक है। तो ये दो तरह की मालूमात जो नई हमारे पास आ गई है, 4 मिलीसेकंड का क्वांटम टाइम, और दूसरी चीज जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की मात्रा में जो है वो 1 मिलीसेकंड जो है वो हमारा खर्च हुआ करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने दी हुई है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक्चुअली 10 है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम जो है वो दिया हुआ है। इसके अलावा ये दो चीजें हमें दे दी हैं जो मैंने आपको बता दी है। अब इसका हम गैंट चार्ट जो है बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हर एक के पास 4 मिलीसेकंड है, ये आपने माइंड में रखना है। तो 0 यूनिट ऑफ टाइम पे जो है वो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है P0 जो है वो आ गया, ठीक है, 0 यूनिट ऑफ टाइम पे। उसके बाद ये कितने टाइम के लिए चलेगा, ये हमारे पास चलेगा 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, या मिलीसेकंड की अगर हम बात करें तो 4 मिलीसेकंड में सिंपली कह देता हूँ ये हमारे पास चलेगा, ठीक है। और इससे प्रोसेसर जो है वो छीन लिया जाएगा। तो ये कितना बाकी रह जाएगा, 6 मिलीसेकंड, ठीक है। अब 1 यूनिट जो है वो हमारा कहाँ पे चला गया, या 1 मिलीसेकंड जो है वो हमारा कहाँ पे लग गया, वो हमारा लग गया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, ठीक है। तो हमारे पास टाइम क्या हो इस वक्त हो जाएगा, 5 मिलीसेकंड जो है वो हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो है हमारे पास टाइम हो चुका है 5, तो 5 मिलीसेकंड होने तक जो है वो तीनों प्रोसेस जो है वो इस वक्त हमारे रेडी क्यू के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से किसको चूज किया जाएगा, P1 को चूज किया जाएगा, और ये भी कितने टाइम के लिए चलेगा, 4 सेकंड के लिए। तो ये कितना बाकी बच जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 5 सेकंड से लेके 4 सेकंड ये चला, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 9, ठीक है। और इस तरह से इसका बाकी टाइम बच गया 2, और यहाँ पे अगेन जो है वो 1 मिलीसेकंड का हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम लग गया, तो टाइम कितना हो गया, 10। अब अगला प्रोसेस जो है वो आपके पास है P2 का टोटल टाइम कितना है हमारे पास, 2 है, ठीक है। तो ये देखें कि 4 सेकंड टाइम दिया गया था, लेकिन ये छोटा था तो ये जल्दी खत्म हो गया हमारे पास। तो ये इस वक्त हमारे सिस्टम से निकल चुका है, और यहाँ पे हमारा टाइम जो है वो कितना हो चुका होगा हमारे पास, वो 12 हमारे पास हो चुका है, एक सिस्टम से निकल चुका है प्रोसेस हमारा। और 1 यूनिट का हमारे पास यहाँ पे ये टाइम जो है वो लगेगा, और इस वक्त हमारा टाइम है 13 मिलीसेकंड, सिंपली अल्फाज में कह देते हैं। अगला प्रोसेस है हमारे पास P3, जो टोटल कितना टाइम लेना चाह रहा है, 4 सेकंड, मतलब ये पूरा जो है वो हमारे पास चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे कोई मसला हो रहा है, ये P0 को नहीं यहाँ पे चलना चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास चलना चाहिए था P3 को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन चलेगा, यहाँ पे हमारे पास चलेगा P3, ठीक है। और P3 कितने सेकंड के लिए चलेगा, 4 सेकंड के लिए हमारे पास यहाँ पे चलेगा, और टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास P3 जो है वो यहाँ से निकल चुका है, तो 2 प्रोसेस हमारे निकल चुके हैं। अब हमारे पास कौन कौन बच गया है, अब हमारे पास बच चुका है P0 और P1, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास कौन चलेगा, यहाँ पे हमारे पास चलेगा P0, ठीक है। P0 कितने टाइम के लिए चलेगा, 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 18 से लेके 22 तक, यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट ऑफ टाइम जो है वो यहाँ पे हमारे पास हो चुका है, ठीक है। और ये 4 सेकंड के लिए चला, तो बाकी कितना रह गया है, 2, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो 22 सेकंड जो है वो टाइम हमारे पास हो चुका है, 1 यूनिट हमारा यहाँ पे खर्च होगा, और टाइम हमारे पास हो जाएगा 23, और यहाँ पे हमारे पास कौन चलेगा, हमारे पास चलेगा P1 जो कितना रह गया था 2 मिलीसेकंड का रह गया था वो चलेगा और हमारे पास टाइम हो जाएगा 25 मिलीसेकंड। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 यूनिट यहाँ पे लगेगा हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, तो टाइम हो जाएगा 26। अब आखिरी जो है हमारे पास कौन रह गया, आखिरी हमारे पास P0 रह गया है, ठीक है। 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चल के ये भी सिस्टम से निकल जाएगा और टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती थी, यहाँ पे हमारे पास पहले ये P3 यहाँ पे चलने वाला है और यहाँ पे हमारे पास क्या है P0 जो है वो यहाँ पे हमारे पास चलेगा। तो ये जो है हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, ये इमेज मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था तो तब मेरे पास कोई गलती जो है वो यहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो राउंड रॉबिन जो है वो काम करेगा। अब अगर इसका हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका एवरेज टाइम जो है वो 19.5 मिलीसेकंड हो गया और एवरेज टाइम जो है हमारे पास क्या हो गया 14 मिलीसेकंड जो है हमारे पास इसमें वेटिंग टाइम जो है हमारे पास एवरेज पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो कहता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सिंपलेस्ट, फेयरेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम। तो ये वाला एल्गोरिदम जो है वो ज़्यादा यूज होता है और बाकी भी इसके ये एडवांटेज हमारे पास हैं। इसमें हमारे पास जो डिसएडवांटेज है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आपने देखा कि हर जैसे प्रोसेस चेंज होता है तो 1 मिलीसेकेंड हमारा यहाँ पे जो है वो गायब हो जाता है, मतलब ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे टाइम क्वांटम जो है वो हमारे पास बहुत क्रिटिकल है। अगर तो हमारा टाइम क्वांटम जो है वो बहुत ज़्यादा शार्ट हो तो फिर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अगर हम अपना जो है टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा रख लेंगे तो फिर हमारे पास जो रिस्पॉन्स रेट जो है वो हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने वाली चीज है वो हमारे पास क्या है इसका टाइम क्वांटम, ठीक है। तो यही वाली अगर हम मिसाल लें और यहाँ पे हम कुछ और टाइम क्वांटम रख लें, 10 रख लें या 2 रख लें, तो काफी ज्यादा जो है इन चीजों में हमारे पास फर्क जो है वो पड़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था राउंड रॉबिन टाइम था। राउंड रॉबिन मतलब कि ये कोई रॉबिन साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। और ये वाला जो है वो अभी हमने देख लिया है, इसके एडवांटेज वगैरह भी देख लिए हैं, डिसएडवांटेज भी। अब आखिरी है हमारे पास जो है हमारे पास प्रायोरिटी स्केजलिंग। तो प्रायोरिटी स्केजलिंग में हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे कोई ना कोई नंबर जो है वो असाइन कर देंगे हर प्रोसेस को, वो उसकी प्रायोरिटी होगी, उसी प्रायोरिटी की बेस पे हमारा प्रोसेस जो है वो रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि द प्रोसेस दैट हैज हाइएस्ट प्रायोरिटी इज सर्व्ड फर्स्ट। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो पहले हमारे पास रन होगा। डिसीजन मोड जो है हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव है। ये देख लें कि प्रायोरिटी स्केजलिंग 2 तरह की होगी, पहले हम बात करेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव में, ठीक है, और उसके बाद अगला वर्जन जो है वो हम करेंगे प्रीएम्प्टिव की बात करेंगे। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन देख लें, कहता है दिस स्ट्रेटेजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सॉर्टेड FIFO क्यू। ऑल प्रोसेस इन अ क्यू आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस एट द फर्स्ट, ठीक है। तो जो हम अपनी क्यू एक बनाएंगे उसको हम जो सॉर्टिंग करेंगे वो किसकी बेस पर करेंगे, प्रायोरिटी नंबर की बेस पर करेंगे। जिनका प्रायोरिटी नंबर हाई होगा उन्हें क्यू में आगे रखेंगे, जिनका कम होगा उन्हें पीछे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि हमारे पास कह रहा है कि कंसीडर ऑल टाइम वैल्यूज इन मिलीसेकंड एंड स्मॉल वैल्यूज फॉर टाइम प्रायोरिटी मीन्स हायर प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस। मतलब कहने का ये है कि जितना प्रायोरिटी नंबर छोटा होगा उतना ही वो ज्यादा होगा। मीन के 0 प्रायोरिटी, अगर किसी की प्रायोरिटी नंबर 0 है तो समझा जाएगा वो हाई है, 1 उससे कम होगा, 2 प्रायोरिटी नंबर उससे कम होगा। तो छोटा नंबर हो क्या कंसीडर करे किया जाएगा कि उसकी प्रायोरिटी वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाला अगर आप टेबल देखें जो हमें दिया गया है तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तो अराइवल टाइम T0 हो गया, इसी तरह डेल्टा T है हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड है हमारे पास, और आखिरी है हमारे पास यहाँ पे प्रायोरिटी भी दी हुई है, ठीक है। तो अगर सिंपली इस चीज को देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बनती है P3 की, उसके बाद किसकी बनती है P2 की, उसके बाद P1 की और उसके बाद P0 की बनती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अराइवल टाइम भी जारी बात है, वो भी हमें चीज जो है वो माइंड में रखनी होगी। और दूसरी चीज जो माइंड में रखनी है वो ये है कि ये हमारे पास क्या है नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो अब इसका हम गैंट चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि नॉन प्रीएम्प्टिव है, ये ज़हन में रखना है। P0 आया 0 यूनिट ऑफ टाइम पे 10 मिलीसेकंड के लिए ये हमारे पास रन हुआ, नॉन प्रीएम्प्टिव है तो ये टोटल पूरे का पूरा जो है वो हमारे पास क्या होगा रन होगा, टाइम हो जाएगा हमारे पास 10 मिलीसेकंड और इस तरह से ये क्या हो जाएगा सिस्टम से निकल जाएगा। अब 10 मिलीसेकंड जब हमारे पास मुकम्मल हुए तो ये तीनों भी उस वक्त तक हमारे पास आ चुके थे। अब इनमें से देखा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी P3 की है, तो P3 जो है उसको चलाया जाएगा। ठीक है, ये 4 इसका जो है मिली सेकेंड बर्स्ट टाइम है, तो ये 10 से लेके 14 तक हमारे पास चलेगा और ये भी सिस्टम से आउट हो जाएगा। अब ये 2 रह गए हैं, तो इन दोनों में से P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, ये 2 मिली सेकेंड के लिए चलेगा 14 से लेके 16 तक और सिस्टम से आउट हो जाएगा। अब आखिरी हमारे पास ये 6 मिली सेकेंड के लिए चलेगा और इस तरह से 22 मिली सेकेंड पे आके ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो 13.25 मिली सेकेंड है और एवरेज टाइम जो है इसका जो कि काफी बेहतर हमें नजर आ रहा है, ये हमारे पास 7.75 मिली सेकेंड। इसका अगर हम यहाँ पे एडवांटेज देखें नॉन प्रीएम्प्टिव वाले का, तो ये कहता है कि प्रायोरिटी इज कंसीडर्ड, क्रिटिकल प्रोसेस कैन गेट इवन बेटर रिस्पॉन्स टाइम। तो जो हमारे पास जो क्रिटिकल प्रोसेस होते हैं उन्हें हम जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन करके उन्हें जल्दी जल्दी जो है सीपीयू के पास भेज सकते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि स्टार्वेशन इज पॉसिबल फॉर लो प्रायोरिटी प्रोसेस, तो ऐसे कोई प्रोसेस अगर हमारे पास आ जाते हैं जिनकी लो प्रायोरिटी है, हो सकता है वो कभी भी सीपीयू के पास ना जाए। तो इस चीज का हम इलाज जो है वो कैसे ढूंढते हैं एजिंग की सूरत में। एजिंग किसे कहते हैं? एजिंग कहते हैं कि बिलफर्ज हमारे पास क्यू के अंदर कोई प्रोसेस लगा हुआ है जिसकी लो प्रायोरिटी है और वो हमेशा जो है वो पीछे ही रहता है, तो उस सूरत में जैसे जैसे उसकी एज में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे उसका जो प्रायोरिटी नंबर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उसका प्रायोरिटी नंबर सबसे ज्यादा हो जाएगा और फिर उसको उठा के क्या किया जाएगा, सीपीयू के पास भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टार्वेशन है उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, एजिंग जो है उसकी मदद से हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। ये चीज जो है वो आपने यहाँ पे रखनी है, ठीक है, माइंड में। अब आखिरी जो है हमने स्टडी करना है वो है हमारे पास प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजलिंग। तो प्रीएम्प्टिव स्केजलिंग में हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया तो उसी तरह से है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले नंबर को पहले भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, प्रीएम्प्टिव होगा। ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव का मतलब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई चल रहा है, कोई प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला अगर हमारे पास कोई प्रोसेस आ जाता है तो उसे प्रोसेसर जो है वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है प्रायोरिटी स्मॉल वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या कंसीडर किया जाएगा, हायर प्रायोरिटी उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल जो इसको समझने की कोशिश करते हैं, वही जो प्रीवियस हमने एक एग्जाम्पल देखी है उसी से मिलती जुलती है ये वाली एग्जाम्पल हमारे पास। तो देखते हैं इसका गैंट चार्ट भी बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर इनके देख लें कि हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है P3 की, उसके बाद उसी तरह से P2, फिर P1 और फिर P0 की है। ठीक है, यहाँ पे अराइवल टाइम जो है वो जारी बात है वो भी यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ मायने रखेगा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन पहुंचा, P0 जो है वो हमारे पास पहुंच गया। ठीक है, अब P0 हमारे पास पहुंचा, ये रन होना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन ये 1 यूनिट ऑफ टाइम या 1 मिली सेकेंड के लिए हमारे पास रन हुआ, तो 1 मिली सेकेंड पे हमारे पास कौन आ गया, P1। अब P1 की प्रायोरिटी हमारे पास क्या है, 4 है और इसकी प्रायोरिटी क्या है, 5 है। तो इसका मतलब है P1 की प्रायोरिटी हमारे पास ज्यादा है, तो P0 जो है उसे प्रोसेसर छीन लिया जाएगा। ये कितने टाइम के लिए चला, 1 यूनिट के लिए, तो कितना बच गया, 4 मिली सेकेंड बच गया। अब प्रोसेसर किसको दे दिया गया, P1 को दे दिया गया। P1 जो है वो जो है कितने टाइम के लिए चला हमारे पास, वो 2 टाइम्स के लिए हमारे पास चला। ठीक है, या 2 मिली सेकेंड के लिए हमारे पास चला, तो तब टाइम हमारे पास कितना हो गया, टाइम हमारे पास हो गया 3 मिली सेकेंड और उस वक्त हमारे पास कौन आ गया, P2 हमारे पास आन पहुंचा। अब P2 जो है उसकी प्रायोरिटी हमारे पास क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है P1 से प्रोसेसर जो है वो छीन लिया जाएगा। तो कितने टाइम के लिए चला, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए या 2 मिली सेकेंड के लिए, तो कितने बच गए, 2 मिली सेकेंड। और जब 3 मिली सेकेंड टाइम हो चुका था तो P2 जो है वो प्रोसेसर के हवाले कर दिया गया और ये इसने अपना टाइम जो है वो मुकम्मल कर लिया। टाइम हो चुका है 5 और ये इस वक्त सिस्टम से निकल चुका है। ठीक है, और 5 मिली सेकेंड पे कौन आ गया हमारे पास, P3 जो है वो हमारे पास आ चुका है। अब P3 जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। 3 सिस्टम मौजूद है हमारे, 3 प्रोसेस मौजूद है, P0, P1 और P3। तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो हमारे पास किसकी है, P3 की। तो P3 जो है अब अपना टाइम मुकम्मल करेगा, तो 5 से लेकर 4 तक 9 मिली सेकेंड यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और ये इस तरह से सिस्टम से आउट हो जाएगा। अब 2 प्रोसेस हमारे पास बच गए हैं, P0 और P1। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रायोरिटी नंबर जो है वो किसका ज्यादा है, वो हमारे पास P1 का ज्यादा है। ये कितने टाइम के लिए चलेगा, 2 मिली सेकेंड के लिए चलेगा, यहाँ पे 9 से लेकर 13 तक और सिस्टम से आउट हो जाएगा ये भी। अब आखिरी जो है वो हमारे पास P0 बच गया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 4 जो है 4 मिली सेकेंड के लिए यहाँ पे हमारे पास चलेगा, तो 13 और 4 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है नॉन प्रीएम्प्टिव जो है वो ये वाला हमारे पास सॉरी प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजलिंग वाला ये वाला हमारा एल्गोरिज्म था। अगर अब यहाँ पे हम देखें तो जो पिछला वर्जन था उसमें हमारे पास टर्न अराउंड टाइम एवरेज जो है वो कितना निकल के आ रहा था, 13 था, 13 पॉइंट समथिंग था, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है 10 हो गया मिली सेकेंड, तो काफी ज्यादा बेहतर है। एवरेज टाइम यहाँ पे 4.5 है, जबकि नॉन प्रीएम्प्टिव में हमारे पास क्या था 7.75 है, तो वेटिंग टाइम जो है वो भी काफी ज्यादा बेहतर हो गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है एडवांटेज अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है कि क्रिटिकल प्रोसेस जो है वो ज़्यादा जल्दी उनका रिस्पांस हम मिल सकता है, वही पिछले वाले की तरह। स्टारवेशन यहाँ पे भी पॉसिबल है, लेकिन हम क्या करेंगे एजिंग जो है उसकी मदद से इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास प्रीएम्प्टिव थे उनमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड नहीं है, सॉरी नॉन प्रीएम्प्टिव वालों में, और जितने प्रीएम्प्टिव वाले एल्गोरिदम है उनमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड जो है इजाफी आ रहा है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ जो है हमारे एल्गोरिदम हम लगा सकते हैं। तो ये हमारे एल्गोरिदम थे, ये आगे प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जिसमें मैंने 2 से 3 जो है वो यहाँ पे डाले हुए हैं, ये 2 और 3। ठीक है, तो आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 4 भी हमारे पास है, तो ये 4 जो है